नमस्कार, आप देख रहे हैं ईबे पर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी एकता मंच द्वारा बुधवार को फूलो जानो चौक सिरीगुटू से एक विशाल बाइक रैली निकाली गई। रैली में हजारों की संख्या में युवा शामिल हुए। इस दौरान साक्षी बिरसा मुंडा चौक पर धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बाइक रैली दिगंबर पासदा चौक बाढ़ाडी में समाप्त हुई। मौके पर मंच के सचिव छोटू सोरेन ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पर बाइक रैली के आयोजन का उद्देश्य देश के आदिवासी समुदाय को एकता का संदेश देने के साथ ही सरकार के समक्ष आदिवासियों की मांग को रखना है। सोरेन ने कहा कि देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आज तक आदिवासियों को उनकी पहचान से महरूम रखा गया। सरकार द्वारा अभी तक सरना धर्म कोड जारी नहीं किया गया। मणिपुर में जिस प्रकार आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है वह शर्मनाक है। उस घटना में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिया जाए। पेशा कानून लागू करने के साथ ग्राम प्रधान और माझी बाबा को सरकार मान्यता दे। इस अवसर पर आदिवासी एकता मंच के सदस्य एवं आदिवासी समुदाय के लोग उपस्थित थे। देखिए, सबसे पहले तो विश्व के तमाम आदिवासियों को आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं। और आज हम लोगों ने आदिवासी एकता मंच और खेरवाड़ एवं नौता के द्वारा एक जमशेदपुर में विशाल रैली हम लोगों ने निकाला है, और जिसमें यहाँ लगभग 1000 से ज़्यादा बाइक है और लगभग 3-4 हज़ार आदमी होंगे। तो आज यही हम लोग का एक संदेश है कि विश्व के तमाम आदिवासी एक हो, और जिस तरह से मणिपुर में हमारे आदिवासी बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पर आदिवासी महिलाओं को इंसाफ मिले। और अभी तक आदिवासियों को धर्म कोड नहीं मिला है, अभी तक उसको धर्म कोड भी मिलना चाहिए। पैसा एक्ट को सख्ती से लागू करें, फिफ्थ शेड्यूल एरिया को सख्ती से लागू करें, ग्राम प्रधान और मजी बाबा को मान्यता देना चाहिए इसी के साथ, और तमाम आदिवासियों को एक होकर हम लोग को अपना हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए हम लोग को एक हम पूरे आदिवासी समाज को एक संदेश दे रहे हैं। मेरा नाम है छोटू सोरेन, आदिवासी एकता मंच का सचिव। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।